MTHL जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो प्रोजेक्ट है, ये सिंगल लॉन्गेस्ट 22 किलोमीटर का सी ब्रिज है। ये देश का सबसे लॉन्गेस्ट है। आज जो समय लगता है 2 घंटे वहाँ जाने के लिए रायगढ़ में, इस प्रकल्प के होने के वजह से इसमें सिर्फ 15 मिनट में वहाँ पहुँच सकते हैं। इसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ हस्ते होने वाला है और इससे काफ़ी लोगों की समय की बचत होगी, फ्यूल की बचत होगी, पोल्यूशन कम होगा। एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है ये। मुंबई और रायगढ़ नज़दीक आ जाएगा, एक ये जो है वहाँ अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी बूस्ट मिलने वाली है इसमें। और इसलिए ये ऐसे प्रकल्प जो है, जो जैसे समृद्धि हाईवे हो, ये MTHL हो, ये मुंबई पुणे मिसिंग लिंक हो, ये मेट्रो हो, या जो भी मुंबई में जितने प्रोजेक्ट चल रहे कोस्टल हाईवे हो, ये सब रुका दिए थे। हमारी सरकार आने के बाद तुरंत उसको स्पीड दे दिया और ये काम शुरू हो गया। लोगों के प्रकल्प को रोकना ये राज्य के विरोधी काम है और इसलिए विकास विरोधी लोगों को लोग और जनता पूरी तरह सबक सिखाएगी। और इसलिए हम जितने भी विकास के प्रकल्प है उन्हें बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे। पकड़ लिया है, पुलिस अलर्ट आहे, त्याच्यामध्ये कारवाई झालेली आहे। काही ते काही ड्रग्स आहेत, काय म्हणतो त्याला, अंमली पदार्थ आहेत, नाही ते काय MD वगैरे काही ते भेटले, ते पोलीस आयुक्तांनी मला सांगितलंय की ते जे काही रेव पार्टीमध्ये झालंय त्याच्यावर गुन्हा दाखल झालेला आहे। या राज्यामध्ये मुंबईमध्ये पण ड्रग फ्री मुंबई करण्याचा संकल्प आम्ही मांडलेला आहे। 5,000 कोटीचा ड्रग मुंबई पोलिसांनी पकडलेला आहे आणि म्हणून त्या विरोधी पक्षाला आरोप करण्याचा अधिकार नाही। त्यांच्या काळात तर काहीच पकडत नव्हते आणि मग का पकडत नव्हते हे शोधलं पाहिजे तुम्ही। आमच्या काळामध्ये 5,000 कोटीचा ड्रग्स पकडले, ठाण्याला कारवाई होते, मुंबईमध्ये शाळा कॉलेज आजूबाजूला जिथे जिथे टपऱ्या हॉटेल आहेत तिथे ड्रग्स विकतात ते सगळं तोडून टाकायला सांगितलं, आम्ही डिमॉलिश करायला सांगितलं, ड्रग जे विकतात त्यांच्यावर कठोर कारवाई करून त्यांना जेलमध्ये टाकायला सांगितलेलं आहे। हे सरकारचं आमचं अभियान आहे।